वह दसवें निकला मैं तो सीधे मैं वही पढ़ाऊंगा आपसे मिलते रोको भाई से मिलेंगे बड़ी मुश्किल से बात है आऊंगा मैं एक दो दिन के लिए आता हूँ मैं कल्याण सिंह जी के यहाँ फोन किया था वही आते आते मुझे होता है सवा दस साढ़े दस होते माँ मेम का भी अच्छा काम है हमारे राज्यपाल जी का ठीक है शांत स्वभाव है दरअसल वो एक तो बहुत अच्छे प्रशासक हैं और मेमोरी ठीक है कल्याण सिंह और जो हम लोग लिखते हैं ना नोट सी चीज की बहुत नोट तैयार होते थे एक एक आदमी क्या बोल रहा उनका तो दोनों काम सरकार चलाने में आ और ये सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है कल्याण सिंह जी का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बहुत अच्छी बिना ये ना हमारे स्वागत बिल्कुल आप राजस्थानी हो लगे क्या हमारा मित्र पड़ोसी राज्य जहाँ पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं आलू की खेती के बारे में जानकारी मिली है कटहल की खेती की जानकारी भी मिली है मिंट की बात करिए सावा का प्रोडक्शन भी आप करें क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू के जो प्रोडक्शन हो रहे हैं तुलसी की खेती जहाँ की जा रही है मैं समझता हूँ राजस्थान प्रदेश भी तुलसी की खेती के बारे में माननीय मंत्री जी के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि उसकी मार्केटिंग के साथ साथ में उसका प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे आगे बढ़ सकती है और वैसे भी राजस्थान सीखने के क्षेत्र में कहीं पीछे नहीं रहता जहाँ भी सीखने को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राज्यों में हो नवाचार के क्षेत्र में हम लोग वैसे भी कोशिश करके आगे बढ़ने का काम करते हैं जैसा कि अभी साझा वार्ता हमारे मंत्री जी से हुई है बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है क्योंकि राजस्थान प्रदेश में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ एग्रीकल्चर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय अगले कुछ ही महीनों में राजस्थान में एक पूरी टीम के साथ यहाँ पर आने वाले हैं मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अनुभव उनके अधिकारियों के साथ बैठेंगे मंत्री जी के साथ बैठेंगे हमारे भी राजस्थान के अधिकारी यूनिवर्सिटीज़ के अधिकारी हम सब साझा रूप से यहाँ पर दोनों राज्यों की रूपरेखा बनाएंगे और दोनों राज्यों में हम लोग आदान प्रदान करके तकनीक आदान प्रदान करके कोशिश करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब जो भाजपा शासित राज्य हैं हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी का विजन हम सभी को पूरा कर सकेंगे तुलसी की खेती का जहाँ सवाल है कि राजस्थान में भी कुछ ज़िलों में यदि हम ये देखें तो माधोपुर ज़िले में भी हो रही है आपके झालावाड़ में भी हो रही है भरतपुर में भी इसकी खेती है वर्तमान में क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिले हुए जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश से मिले हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ खेती की जा रही है लेकिन मार्केटिंग का जो अभी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है चाहे किनवा का मार्केटिंग हो चाहे चिया का मार्केटिंग हो या हम यूँ कहें कि सावा एक ऐसी हमारी परंपरागत ऐसी खेती थी जो लुप्तता की ओर बढ़ रही है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को यदि हम देखें तो मैं समझता हूँ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बहुत अच्छी उसमें न्यूट्रिशन मानव जीवन को मिलता है ऐसी खेती को हम लोग कोशिश करेंगे सहेजेंगे संवारेंगे और पुनः यू टर्न करके हम ऐसी खेती जो विलुप्तता की ओर बढ़ी है उसको हम लोग आपसी साझा खेती करके हम लोग इसकी खेती को आगे बढ़ाएंगे राजस्थान से आप क्या चीज साझा करना चाहेंगे देखिए राजस्थान में माननीय कृषि मंत्री सैनी साहब का तो एक बहुत लंबा अनुभव है पिछले 10 साल से इन्होंने काफ़ी कृषि के क्षेत्र में अच्छा और बेहतर काम किया है
यहाँ के विश्वविद्यालयों को भी अच्छा बनाया है और साथ साथ में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम शुरू हुआ है। जैतून के लिए ऑली ऑयल का जो काम यहाँ पर शुरू हुआ है वो अपने में एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है। तो अभी आपसे चर्चा हुई है इस बारे में कि एक बार उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ दोनों ही राज्य के अधिकारी आपस में बैठेंगे और अपने अपने क्षेत्र के भीतर जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान ने कई क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया काम, जैसे अभी जैतून के बारे में जानकारी मिली हुई है, या अन्य ये जो फल हैं, अनार की खेती हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, किनुआ की हो रही है, तो उसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो यहाँ पर अच्छे आगे बढ़े हुए हैं या जो इनोवेशन है और हमारे राज्य के भीतर जो है उत्तर प्रदेश में, उनको दोनों के साथ बैठ करके हम लोग साझा करेंगे और साझा करके और कोशिश करेंगे कि अपने अपने राज्यों में उसको और आगे क्यों विस्तार दें। तो एक तो ऐसा चलाएंगे, जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लेकर के यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह सैनी साहब जो है वो बहुत अनुभवी कृषि मंत्री हैं, 10 वर्ष हो गए इनको, इनके जो अनुभव हैं उन अनुभवों का लाभ उत्तर प्रदेश भी उठाना चाहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 1 साल के भीतर ये प्रयास किया, इस साल हमारा खरीफ का उत्पादन, यद्यपि उत्तर प्रदेश में इस साल 22 जिले जो है वो बाढ़ से प्रभावित थे और 10 जिले हमारे सूखे के भीतर रहे, बुंदेलखंड पूरा सूखा से प्रभावित रहा है, फिर भी उत्तर प्रदेश में इस साल हमने खरीफ का उत्पादन इस साल बढ़ाया है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश के भीतर इस साल 2 क्विंटल 10 केजी के करीब बढ़ी है। हार्टिकल्चर के क्षेत्र में हम जो है वो इस समय आलू उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 पर है। हम उसके लिए इस साल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की दृष्टि से कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टर सबमिट हुआ था और उसमें लगभग 1000 के करीब ऐसे इंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो फूड ग्रेन में हमारे पास नंबर 1 पर है आज उत्तर प्रदेश। तो हमारी कोशिश ये है कि एक तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके कैसे बेहतर कीमत किसानों को दी जा सके, वैल्यू एडिट किया जा सके, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज कर दिया है, कैशलेस कर दिया हुआ है। अभी उस पर चर्चा हो रही थी कि हमारे यहाँ जो भी स्कीम्स हैं उनके सारे अनुदान जो है हम सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से भेज रहे हैं और उसकी DBT कर रहे हैं। तो और ऑनलाइन जो भी सुविधा ले रहा है किसान को, तो उसका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो फर्स्ट कम के प्रिंसिपल पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस साल हम लोगों ने विशेष रूप से तिलहन को बल दिया था, जब सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति आई तो हमने सितंबर के महीने में ही एक बड़े पैमाने पर मिनी किट जो है वो किसानों को दिए। तो उसका रिजल्ट यह है कि साल उत्तर प्रदेश में 1,00,000 हेक्टेयर जो है वो तिलहन का एरिया हमारा बढ़ा, आच्छादन उसका बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से जिन क्षेत्रों में 1,00,000 हेक्टेयर तिलहन का उत्पादन बढ़ा है तो वहाँ किसानों को एक अल्टरनेटिव आमदनी उनको बढ़ी है। तो जो 2022 तक आमदनी को ना किया जाना है, उस दृष्टि से हम लोगों ने एक व्यापक काम शुरू किए हुए हैं। अभी जैसा भारत सरकार ने एक आह्वान किया है कि कृषि कल्याण कार्यशाला 2 मई को लगाई जाने वाली है, हमने ये तय किया कि पूरे सभी विकास खंडों पर, हमारे उत्तर प्रदेश में 27 विकास खंड हैं, सभी कृषि विभाग भी डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट हैं, सब मिल करके एक बेहतर कार्यशाला वहाँ पर लगाएंगे और किसानों को हम जागरूक करेंगे कि कैसे वो एकीकृत खेती करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और साथ साथ में जो है वो डाइवर्जन कैसे किया जा सके खेती का। तो ये सब जानकारियाँ उनको हम लोग उपलब्ध कराने वाले हैं। आने और मिलने जुलने से जो आदान प्रदान हो, तो सारी जानकारियाँ जो हमारे जानकारी में नहीं है वो आपसे मिलती हैं या हम आते हैं तो आप जानकारी चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी हम देते हैं। तो आपस में राज्यों का खासतौर पर बात है, लोगों के बीच में आपस में बहुत बेहतर तालमेल है और हम चाहते हैं सभी राज्य जो है वो बेहतर काम कर सके और उनकी आमदनी दूनी हो सके, उस दृष्टि सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से हम उस दिशा में सचेष्ट हैं।